वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। फतेह टीवी दे प्रोग्राम देह अरोगता विच एक नवा विशा पिछली गल नूं अगे तोरांगे अज। तो आप जी का स्वागत है। जिहड़ा आपां पिछली बारी गल कीती सी कि कोविड तो बाद साह नाल नाल संबंधित जिहड़ियां प्रॉब्लम हुंदियां ने उहनां 'च आपां पिछली बारी डिटेल 'च गल कीती सी। अज जिहड़ा विशा आपां लै रहे हां वो लै रहे हैं भी कोविड तो बाद। बहुत बारी इस तरह होंदा है कि करोना ठीक हो गया, ठीक हो के बुखार थर्मामीटर च नहीं आ रहा, ऑक्सीजन भी पूरी आ रही है, पर शरीर च इन्नी ज़्यादा कमजोरी है, इन्नियां ज़्यादा दर्दा ने कि बंदे नूं लगता नहीं मेरा शरीर नहीं ठीक है, शरीर भखदा पिया है। तो जो थर्मामीटर लाने उहदे च कुछ आता नहीं। सो ये जिहड़ी पोस्ट कोविड वीकनैस है अज आपां इहदे ते गल करांगे। असल च जिस तरह जिन्होंने पहले एपीसोड देखे ने उन्होंने याद होएगा कि कोविड के जो मैं गल की सी कि जड़ा मेनली फेफड़िया का कला रोग नहीं है, पूरे शरीर में इनवॉल्व करता है, पूरे इम्यून सिस्टम में इनवॉल्व करता है, साड़ी पूरा जड़ा रोग रोधक शक्ति है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है, वो पूरी दी पूरी तरह इनवॉल्व हो जाती है। और खास तौर पर जिहड़ियां दवाइयां दित्तियां जांदियां वो दवाइयां जिद्दां एंटीबायोटिक ने, स्टीराइड ने, या आपां आयुर्वेदिक दवाइयां भी लैंदे आ, वो सारियां दवाइयां दा लिवर दे उत्ते, किडनीज दे उत्ते जिहड़ा असर पैंदा है। इस करके वो बहुत सारे शरीर दे विच ना टॉक्सिनज इकट्ठे हो जांदे ने। शरीर जदों वायरस नाल लड़दा है तो फेफड़ियां दे विच भी उस वायरस नाल लड़न तो जिदा आपां कोई जंग हुई होवे, जंग तो बाद उत्थे जिहड़े सिपाही शहीद हो जांदे ने उहनां दीआं लाशां हुंदीआं, खून किन्ना विखरिया हुंदा, किन्ना गंदगी, तो लड़ाई खत्म होण तो बाद भी उत्थे बहुत सारा खिलारा पिया हुंदा। इसे तरह साडा शरीर एक बड़ी वड्डी जंग चों बाहर आया। पागां वाले हां कि असीं एड्डी खतरनाक बीमारी चों निकल के परमात्मा ने सानूं स्वास दित्ते ने, सानूं शुक्र मनाउणा चाहीदा, पर फिर भी यह जिहड़ी कमजोरी खास तौर पर जिहड़े बजुर्ग ने या जिन्हां नूं जिद्दां कोई शूगर वर्गी बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, उन्होंने निकलने से बाद जी बाद वाली कमजोरी न लड़ना भी ओडी वी जंग साबित होंगे। पहली गल आप करा कि कमजोरी इन्नी ज़्यादा आँधी क्यों है, वो जिस तरह मैं हमने जिक्र किया सब तो पहला तो क्योंकि फेफड़े पूरी हवा ऑक्सीजन दिमाग में नहीं पहुँचा पाते, तो वो करके होंगे कि साडा शरीर का जो पूरा डायजेस्टिव सिस्टम है, साढ़े लिवर है, जोड़ा साड़िया जिहड़ियां किडनीज ने, साडा जिहड़ा हारमोनल सिस्टम है, वो सारा जिहड़ा एक बहुत प्रैशर च काम कर रहा हुंदा है। और शरीर आम तौर पर तुसीं देखिया होना कि शरीर का एक बड़ा वड्डा ये डिफेंस है कि जदों भी वह किसी वड्डी जंग चो बाहर आता है तो उन्हूं लड़न वास्ते वो नींद ज़्यादा लैंदा है। शरीर जदों असीं बीमारी तो बाद उठते हाँ सानूं ज़्यादा नींद आती, उसका कारण सिर्फ यह हुंदा है कि असीं साडे शरीर नूं समां मिले। जदों असीं उठांगे, टीवी देखांगे, तुरां फिरांगे, गल्लां करांगे, काम ते जावांगे, तो साडे शरीर दी इन्हां सारे कम्मां च ईवन जदों असीं प्रशादा छकदे हाँ, खाणा खांदे हाँ, उस खाणे नूं पचाण लई वी साडे शरीर दे विच बहुत ज़्यादा जोर लगदा। तुसीं देखिया होणा जदों आपां ढिल्ले हुंदे हाँ तो डॉक्टर सानूं कहिंदा है कि हल्का खाणा खाओ। हल्का खाणा खाण नूं क्यों कहा जांदा है? क्योंकि साडी जिहड़ी मूँह तों लै के गुदा तक जिहड़ी साडी इह 25 फुट लंबी पाई पै साडे पेट के अंदर जिन्हों असी अपनी भोजन नाली कहने, ये भोजन नाली दा जदों असी मूँह च एक ग्राही पाई तो यह पूरा जिदा एक फैक्टरी चालू हो जाती है, ये बहुत सारी एनर्जी लेंदी। इस करके आप कई बार देखते हैं भी खाना खाने तो बाद उबासियां आने लग जाए, खाना खाने तो बाद सुस्ती आने लग जाती, उसका कारण यही होंगे कि जो तो साडा डायजेस्टिव सिस्टम काम करता है तो बहुत सारी एनर्जी खाता है। इस तरह जिहड़े कोविड के मरीज होंगे ने जो असी किसी वड्डी बीमारी तो टाइफाइड कोविड वगैरह तो जो असी बाहर निकलते हाँ तो साडे शरीर दे विच ओनू एनर्जी दोबारा इकट्ठे करने लिए समा लैंदा शरीर। और दूसरी गल, जो टॉक्सिनज इन सारिया दवाइया खादिया वो जो जहरीला मादा, बीमारी का जहरीला मादा साढ़े शरीर से इकट्ठा हो जाता है, उन्होंने हौली 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 शरीर जोड़ा वो बाहर कढ़ता है, ज्यों ज्यों कढ़ता है शरीर के जी ताकत वापस आती। साडा जिहड़ा लिवर है वो साडा एनर्जी हाउस है, पावर हाउस है साडी बॉडी दा, उहदे जिहड़े माइटोकोंड्रिया होंदे ने वो जिहड़े सारी साडे शरीर जिहड़े पावर हाउस जिहड़े सैल ने साडी बॉडी दे विच एक प्रोसैस चलती उन्हें असीं कहिंदे आ मैटाबोलिज्म। पर जदों कोई बंदा बीमार हुंदा उहदे विच दो प्रोसैस हुंदियां, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म मतलब नवी चीज़ बननी, कैटाबोलिज्म जिहड़ी चीज़ का खत्म होना, तो वह जिहड़ी कैटाबोलिज्म वधन करके साडा शरीर जिहड़ा ना वो भन तोड़ बहुत ज़्यादा हो जाती, उन्होंने रिकवर करने लई
वो जी जब आप देखिए ना किसी सड़क के उत्ते काम चलता हो तो उत्थे पूरा ट्रैफिक नहीं चल सकता होंदा, उन्हों आप थोड़ा जा ट्रैफिक चला जरूरी जरूरी चलाने। उस तरह साडा शरीर जो तो बीमारी चो निकलता है तो वह बहुत सारिया चीज़ों बहुत सारे अपने फंक्शन टैंपरेरी तौर पर सस्पेंड कर देता है, जिदे करके सानू जी बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होंगी। एक कमजोरी असल च साडे शरीर के भले वास्ते है, क्यों? क्योंकि असी ताकत चोवांगे, असी उठांगे, नवी एनर्जी लगावांगे, साडी जिहड़ी एनर्जी डिपलीट होएगी तो दोबारा बीमार होने का डर है। बहुत ही बार देखा जाता जे कोई बंदा बहुत हट करता है क्रोसिन की गोली या गोलियां लैके उठता भी है तो उन्होंने बुखार दोबारा होने के चांसिज हो जाते हैं। इस करके फिर वो ज़्यादा कंप्लीकेट, कई कोविड तो बाद टाइफाइड बिगड़ गया, कई कोविड तो बाद इस तरह दियाँ प्रॉब्लम्स, लिवर दियाँ प्रॉब्लम्स है। उसका कारण यही है कि जो असी शरीर को रिकवर करने का पूरा टाइम नहीं देंगे। पर हुण इत्थे सवाल यह आता है कि हो रहा तो यदा मतलब इतना नहीं आप घर ही पै जाएंगे, आप करना है डॉक्टर को कदों मिलना है? जे तुहानू बुखार ठीक होने तो 5-6 हफ्ते बाद भी कमजोरी घट नहीं रही, शरीर निडाल है, शरीर 2 कदम तुर के भी शरीर थक जाता है, शरीर को उठन की एनर्जी नहीं आ रही शरीर के, मतलब तुहानू डॉक्टर को मिलने की लोड़ है, दोबारा टैसट कराने की लोड़ है भी कितने तुहाडे जिहड़ी पोस्ट इनफ्लामेटरी रेजिडुअल जिहड़े टॉक्सिनस ने वो ज़्यादा तो नहीं रह गए, पोस्ट इनफ्लामेटरी पोस्ट निमोनिया या जिहड़ा नर्वस सिस्टम है साडा जिहड़ा उहदे उत्ते इन्ना ज़्यादा। कई बार की हुंदा कि जदों आपां देखते हैं कि उहदे नाल साडे जिहड़े ने बहुत ज़्यादा केस चढ़दे ने कोविड तो बाद या टाइफाइड तो बाद, उहदा कारण की हुंदा कि जिहड़े साडे केस ने ये साडी सारी एनर्जी नूं अपने इकट्ठा करके रखते ने, साडे केस जिहड़े ने आयरन मैगनीज़ ते जिहड़ा इस तरह के खुराकी तत्तां दा भंडार ने साडे शरीर दा, ते जदों कोई बंदा बीमार हुंदा तो वह सारी एनर्जी शरीर केसां चों लै के अपने आप नूं बचांदा है। इस करके आम तौर पर की हुंदा कि जदों कोई बंदा बहुत ज़्यादा बीमार होवे या उहदे च कोई आयरन की या मिनरल की कमी होवे तो उहदे केस झड़ने शुरू हो जाते हैं। वह बीमारी का एक नॉर्मल प्रोसैस है, उन्हें जदों असी अच्छी खुराक लाँगे तो वह साडी जिहड़ी है वह रिकवर हो जाएगी। तो इस तरह की कमजोरी दे विच मेरे जिहड़े तजर्बे च आया मेरे कोल, क्योंकि बहुत सारे पिछे जे मरीज़ आए ने इस तरह की कमजोरी नूं लैके, तो उहनां दा जिहड़ा मैटाबोलिज़म और बहुत सारे लोग जिहड़े आंदे ने उन्होंने इस दौरान ही है जी कमजोरी वाला दौरान वो दौरान डिप्रैशन वर्गे सिमटम आने शुरू हो जाते हैं कि हूँ मेरे को उठाया नहीं जाना। खास तौर पर जो बजुर्ग ने जिन्हों की उम्र 60 साल तो ज़्यादा है उन्होंने ये डिप्रैशन होर भी ज़्यादा आता है कि पता नहीं हूँ मैं पक्का ही मंजे पर पै गया। नहीं, तुसी हौसला रखो, पॉजिटिव थिंकिंग जी है ना वो तुहानू कढ़ देगी। हल्की हल्की एक्सरसाइज करो जिन्ना क शरीर चाहता है, सहिंदा शरीर, जिदा जे सवेरे जे अगे पहला तुसी अद्धे घंटे घंटे की वॉक कर लेंदे सी हुण 5 मिनट की कर लो, घर के अंदर अंदर ही जिहड़ा गेड़े कढ़ने शुरू करो। जे आपां हिम्मत हार के बह गए फिर तो यह प्रॉब्लम्स होर वधणगियां। सो ये वीकनैस मेरी जिहड़ी कहण दा मतलब है कि ये वीकनैस बहुत टैंपरेरी है, परमानेंट नहीं है, थोड़ी देर दे विच थोड़े दिनों के हफ्तों के नहीं निकल जाना। हाँ, ये इतने होम्योपैथी के रोल बारे मैं गल करांगा क्योंकि मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हाँ, तो होम्योपैथी जी है जो असी मरीज़ के लक्षण सारे सुनते हाँ होम्योपैथिक डॉक्टर जिहड़ा, क्योंकि आम तौर पर मरीज का बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, शरीर उठन नूं मन नहीं कर रहा, शरीर निडाल हो रहा, जिदा हल्का हल्का जहा उठते हैं तो चक्कर आता है तो इदा लगता दोबारा डिग जाएंगे क्योंकि दिमाग में पूरी ऑक्सीजन नहीं मिलती। सो इस तरह के जिहड़े लक्षण ने उन्होंने होम्योपैथी दियां जिहड़ियां बहुत सारिया ऐसा कारगर दवाइया ने, प्रूवन मैडिसिन ने, जिहड़ियां इस तरह की लंबी बीमारी और डूंगी बीमारी तो जदों मरीज रिकवर कर रहा हुंदा तो उन्हें जिहड़ी ज़्यादा नींद आ रही है जां उहदी भुख मर गई है जां उहनूं थकावट हो रही है, शरीर दा उठण नूं मन नहीं, दिमाग तां कहिंदा मैं काम करां पर शरीर साथ नहीं दिंदा, वह जिहड़ी शरीर दी एनर्जी जिहड़ी घटी हुई है उहनूं पूरा करन लई ते जिहड़ी साडी एनर्जी लैवल जिहड़े ने उह दुबारा अपने पहले वाले पद्धर ते नहीं आ रहे उहदे वास्ते, क्योंकि अजकल मैं देखिया लोकी जिहड़े ने उह सिर्फ ज़्यादातर सप्लीमेंट्स के उत्ते ज़्यादा विश्वास करते हैं। नो डाउट क्या जिहड़ा जदों करोना हुंदा उहदे दौरान विटामिन सी भी दित्ता जांदा है, जिंक भी दित्ती जांदी है, नाल उहदे विच मल्टी विटामिन भी दिते जांदे ने, पर मैं देखिया बहुत सारे मरीज़ वो मल्टी विटामिन जीआं गोलियां लै भी रहे होंदे ने जिहड़ी है ताकत दियां दवाइयां लैण दे बावजूद भी उन्हां दी रिकवरी उन्नी फास्ट नहीं हो रही होंदी, और कई बार तो देखिया भी ताकत दियां दवाइयां लोड़ तों वध खाण नाल उन्हां दी भी टॉक्सिसिटी हो जाती है। सो इस मामले दे विच होम्योपैथी जिहड़ी है वो तुहाडी बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, तो तुसीं अज ही अपने जिहड़े होम्योपैथिक डॉक्टर नूं उहदे नाल गल करो, उन्हां नूं विजिट करो, जां अजकल साडे क्लीनिक ते भी इह फैसिलिटी दित्ती भी जे तुसीं आप नहीं भी आ सकदे तां तुहानूं जिहड़े फोन ते ऑनलाइन कंसल्टेशन दी जिहड़ी है फैसिलिटी हैगी है वो तुसीं कंसल्ट कर सकते हो। तो होम्योपैथी जी है मतलब जो है तो बहुत ज़्यादा
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਕਨੈਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਨਰਜੀ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਆਮਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆਚਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੁਛ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ